प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोनिल यौगिकों की कुछ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम एल्डोल समूह। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अतः अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु दुर्बल तनु क्षार की उपस्थिति में स्वतः संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ये अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एसिटाल्डिहाइड एथेनल के दो अणु आपस में दुर्बल क्षार K2CO3 या Na2CO3 अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संयुक्त होकर के एसिटाल्डोल बनाते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि एसिटाल्डिहाइड CH3CHO के दो अणु दुर्बल क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर यहाँ उत्पाद एसिटाल्डोल बनाते हैं। इस यौगिक का IUPAC नाम 3-hydroxybutanol होगा। यहाँ पर CHO समूह उपस्थित है, अतः एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, इस पर OH समूह उपस्थित है और एक चार नंबर कार्बन। अतः इसका IUPAC नाम 3-hydroxybutanol होगा। इस यौगिक में हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड CHO समूह और एल्कोलिक OH दोनों समूह उपस्थित हैं, अतः इसका नाम एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल के आधार पर एल्डोल दिया गया है। एल्डोल संघनन की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। एल्केनल अथवा एल्केनोन का एक अणु तनु क्षार विलयन के साथ अभिकर्ष होकर के अल्फा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन त्यागकर एनायन बनाता है, जो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होता है। इसमें ऋणावेश कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु पर डीलोकलाइज रहता है। ऐसे एनायन इनोलेट कहलाता है। अतः यहाँ पर इस स्टेट में बेस जो है OH माइनस, यह है कार्बोनिल यौगिक के अल्फा हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है, एस्पेक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन है और इस स्टेट में यहाँ पर इनोलेट एनायन है वो बनता है और यह रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होता है। यह इनोलेट आयन दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ऋणायन बनता है। यह ऋणायन जल से प्रोटॉन ग्रहण करता है तथा उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्डोल बनता है। इस एल्डोल का आगे HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होने पर निर्जलीकरण के फलस्वरूप अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक उत्पाद के रूप में बनते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि जब एल्डोल को तनु HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब यह निर्जलीकृत होकर के अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्रोटॉन एल्डिहाइड बनाते हैं। इसी प्रकार एसीटोन या प्रोपेनोन भी एल्डोल संघनन प्रदर्शित करता है। एसीटोन या प्रोपेनोन के दो अणु आपस में बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में स्वतः संयुक्त होकर के डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में
अनित होकर के उत्पाद के रूप में डाई एसिटोन एल्कोहल बनाते हैं और इसका आईपीसी नाम 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनोन होगा और यह निर्जलीकृत होकर मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल संघनन, विषाणु एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन केवल एल्केनल के दो अणु अथवा एल्केनोन के दो अणु के मध्य ही नहीं होता है, वरन यह एक अणु एल्केनल और एक अणु एल्केनोन के मध्य भी संभव है। ऐसी अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल विषाणु एल्डोल संघनन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप तनु एनिवच की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का संघनन कराने पर विभिन्न एल्डोल के मिश्रण उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जब एसिटाल्डिहाइड CH3CH2 के विक्रिया एसीटोन के साथ तनु एनिवच की उपस्थिति में कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ विभिन्न एल्डोल और कीटोल प्राप्त होते हैं। इनमें से मुख्य उत्पाद जो है वह और हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन प्राप्त होता है। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते। जैसे फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है अतः फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट बेंजोइन संघनन, यह एरोमेटिक एल्डिहाइड की विशिष्ट अभिक्रिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड को जलीय एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लक्स किया जाता है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। बेंजाल्डिहाइड इस अभिक्रिया के द्वारा बेंजोइन देता है इसलिए इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। बेंजाल्डिहाइड C6H5CH2 के दो मॉलिक्यूल जब एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में रिफ्लक्स किए जाते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर बेंजोइन बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार, पोटेशियम साइनाइड KCN K+ और CN- साइनाइड आयन में वियोजित होते हैं। इस क्रियाविधि में एल्डिहाइड के कार्बोनिक समूह पर साइनाइड के आक्रमण के द्वारा यहाँ पर एनायन बनता है जो कि रीअरेंज होकर के कार्बन आयन सेटिंग है। यहाँ पर CN- साइनाइड आयन बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एनायन बनता है और ये रीअरेंज होकर के कार्बेनायन बनाता है और यह बेंजाइल कार्बेनायन रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होता है। अब यह कार्बेनायन दूसरे एल्डिहाइड अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। यहाँ पर ये कार्बेनायन दूसरे बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उस पर आक्रमण करता है। इसके फलस्वरूप इस बने हुए उत्पाद से साइनाइड आयन का विलोपन होता है तथा उत्पाद के रूप में यहाँ पर बेंजोइन बनता है। अभिक्रिया में बने हुए बेंजोइन का यदि ऑक्सीकरण करवाया जाए तो बेंजीन बनता है और बेंजीन के 4 उत्प्रेरक पुनर्विन्यास के द्वारा बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। बेंजोइन के ऑक्सीकरण पर पहले यहाँ बेंजीन बनता है
और बेंजीन का क्षार उत्प्रेरित रिएजेंट पुनर्विन्यास होने के फलस्वरूप बेंजीनिक एसिड बनता है। बेंजोइन संघनन को एसिलोइन संघनन भी कहते हैं तथा यह केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू।